सो गाइज वेलकम बैक टू अन द वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जाने वाला हूँ कि आप जो है अगर आपके चैनल में मोनेटाइजेशन इनेबल्ड है और अगर आपका जो यूट्यूब अकाउंट है वो एडसेंस से लिंक्ड है तो आपको अर्निंग किस तरीके से होती है, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको 1000 व्यूज़ पे कितने ज़्यादा आपको अर्निंग हो जाती है वो मैं आपको आज पूरा कंप्लीट बताऊंगा। तो सबसे पहले आप अगर देख सकते हो तो हमारे चैनल पे 104 सब्सक्राइबर हैं और व्यूज़ भी हमारे काफ़ी कम हैं, तो आप सोच रहे हो कि हमारे से मोनेटाइजेशन इनेबल कहाँ से हुआ। तो मैंने जो है वो आज अपने एक भाई से जो है वो यूट्यूब चैनल उसका मांगा हुआ है, और यूट्यूब स्टूडियो पर मैं इसके चले जाऊँगा, इसने मेरे को अपना एडमिन पैनल दिया हुआ है, तो यहाँ पर से मैं जो है वो पूरी इसकी अर्निंग और सारी एनालिटिक्स देख सकता हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा कि इसकी कितनी अर्निंग हुई थी। आप देख सकते हैं करेंटली जो सब्सक्राइबर हैं वो 21,496 हैं। पहले मैं आपको उसके चैनल के वही दिखा देता हूँ, आपको स्टैट्स दिखा देता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने ज़्यादा यहाँ आपको व्यूज़ हैं। तो सबसे पहले योर चैनल पे हम चले जाते हैं, आप देख सकते हैं मैं आपको इसका चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो व्यूज़ जो है हमारे टोटल वो है 5 मिलियन आप 50 लाख यहाँ पर व्यूज़ हैं, देख सकते हैं। हम यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो पर चले जाते हैं और उसके बाद मैं आपको 50 लाख जो हमारे व्यूज़ हैं उसमें आपको कितनी अर्निंग हुई थी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एनालिटिक्स पे चले जाता हूँ, तो एनालिटिक्स पे जाने के बाद यहाँ पर यूर एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो 273 दिखा रहा है यह आपको करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट 28 डेज पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ लाइफ टाइम, और उसके बाद जो हमारी अर्निंग आ रही है $1,073 यानी कि $1,074। तो अगर हम गूगल में चले जाए $1,074 को अगर हम INR में कन्वर्ट करें यानी कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो हमारा जो रुपीज़ बनता है वो बनता है अप्रॉक्स 80,000 रुपीज़ आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो जो कि काफ़ी अच्छी यहाँ पर अर्निंग हुई है इस चैनल पे, जो कि एक रीजनल चैनल है, इसमें ज़्यादा एड्स भी यहाँ पर व्यूअर्स को शो नहीं होते हैं, बहुत रेयरली यहाँ पर एड शो होते हैं, क्योंकि जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज होती हैं वो ऐसे चैनल्स पर बहुत ही कम जो एड रेवेन्यू देती हैं और एड्स भी काफ़ी कम देती हैं। तो अगर आपका टेक चैनल है तो अगर आपके उसमें 5 मिलियन अभी तक का व्यूज़ होते तो आपके उसमें करीबन मेरे हिसाब से 1 लाख तक आपके उसमें रेवेन्यू पहुँच जाता। और अगर हम वीडियोस पे चले जाएं तो वीडियोस पे जाने के बाद यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, अभी लेटेस्ट जो अपलोड की हुई है यहाँ पर फेब्रुअरी 18 आप देख सकते हैं, कल यहाँ पर अपलोड की थी जिसमें 993 व्यूज़ आए हुए हैं। और दूसरा हम कोई भी एक वीडियो ओपन कर लेते हैं, आपको यही वीडियो ओपन कर लेते हैं, 4.51 ये आपको इसकी लेंथ है और 12,000 आपको व्यूज़ आए हुए हैं। तो मैं जो है इसका एनालिटिक्स ओपन कर लेता हूँ और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी अर्निंग कितनी हो जाती है। तो रेवेन्यू में हम डायरेक्ट चले जाते हैं, सिंस पब्लिश मैंने आपको पहले से इनेबल किया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3.37 यहाँ पर डॉलर जो है वो यहाँ पर 12 सिर्फ हमें कितने में मिले, 12.6K व्यूज़ में आपको 3.37 व्यूज़ मिले। तो अगर हम $3.37 को अगर हम कन्वर्ट कर लें तो देख सकते हैं 241 रुपीज़ यानी कि अप्रॉक्स 250 रुपीज़ आपका यहाँ पर हो रहा है 12,000 व्यूज़ पे। और यहाँ पर कोई ये काफ़ी छोटी लेंथ की वीडियो है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐड जो है वो शो हुआ होगा, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी आपकी यहाँ पर अर्निंग हो रही है इस चैनल में। और मैं आपको बता दूं जो ये वीडियो है ये हमने अपलोड की थी, मैं आपको टाइमिंग दिखा देता हूँ उसके पीछे से मैं आपको चले गया हूँ, उसके बाद अगर हम टाइमिंग देखें तो ये हमने अपलोड की थी February 15 यानी कि 4 डेज पे हमारे यहाँ पर 250 रुपीज़ हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं एक ही वीडियो हमारे चैनल पे नहीं है, इसमें बहुत सारी वीडियो जो है वो अपलोड की हुई हैं। तो अगर आप देखें तो एक दिन में यहाँ पर आराम से आपके 1,000 रुपये या 2,000 रुपये आराम से हो जाते हैं, तो जो कि काफ़ी अच्छी यहाँ पर अर्निंग बोल सकते हो। तो अगर आप भी यूट्यूब में स्टार्ट कर रहे हो तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपकी अर्निंग हो सकती है। तो ये जो मैंने बताया ये चैनल टू चैनल यहाँ पर डिफर करता है, कैटेगरी अलग अलग होती है, किसी की टैग कैटेगरी होती है, किसी को यहाँ पर 1,000 व्यूज़ पे ही $1 मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पर को, लेकिन चैनल टू चैनल डिफर करता है कि कौन से एडवर्टाइजिंग और कितने लोग बाग एंगेज हो रहे हैं एड्स पे, तो ये मैटर करता है। और आपकी अर्निंग जो है वो एक फिक्स नहीं रहती, आपको यहाँ पर ज़्यादा भी मिल सकती है और कम भी मिल सकती है। सो गाइज होप करता हूँ आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।